जी हाँ, चलो थोड़ी रामेन बनाएं। मेरा फोक कहाँ है? ओह, खुशबू तो अच्छी है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह अच्छा, ये फोक आप ही ले लो। ठीक है, मुझे अपने लिए और चाहिए होगा। क्या सारे फोक्स कैसे बिक सकते हैं? अब मैं क्या करूँ? मुझे नूडल्स खाने हैं। ठीक है, तो स्कूल में ट्राई करते हैं। हाँ देखो कितने सारे फोक्स हैं। शानदार। हे भगवान, इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? नहीं, वो तो सारे फोक्स ले गए। मैं अपने रामेन खाना चाहती थी। रुको, बिल्कुल मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। बस एक पैटर्न ड्रॉ करना है, बिल्कुल इसी तरह। हाँ बहुत अच्छा बन रहा है। हो गया, मैं एक जीनियस हूँ। मैंने 3D पेन से कोक बना दिया। जैसा सोचा था उतना ही अच्छा है। वाह कितना बोरिंग है, मैं बोर हो रही हूँ। हे भगवान, वो आ गया। ये कैसे हो सकता है? तुम फिर से लेट हो। खैर अपनी सीट पर बैठो, वो मेरे साथ बैठने वाला है। मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? ये क्या है, एक शेफ हार। हे बेब, कैसी हो? ओ, अच्छी हूँ। तुम्हें थोड़ी आइसक्रीम चाहिए? मैं जंक फूड नहीं खाता। वाह वो तो कमाल है। क्या? ओ नहीं, मैंने इसे अपने कपड़ों पर गिरा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर उसने ये दाग देख लिया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। वो पक्का भाग ही जाएगा। वो एथलीट है तो वो बहुत तेज भागेगा। ये दाग सब खराब कर देगा। मैं उसे पकड़ भी नहीं पाऊंगी और मेरा सपना पूरा नहीं होगा। नहीं! हे भगवान, मैं ये नहीं होने दे सकती। यहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। मेरा 3D पेन। हाँ ये काम आ सकता है। ठीक है, पहले मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ और अब इसे आगे पीछे करकर पूरा फिल कर देंगे, बिल्कुल नीचे तक। बढ़िया, अब मैं इसमें डायगोनल लाइंस बनाऊंगी और दूसरी तरफ से भी क्रिस क्रॉसिंग। ये अच्छा लग रहा है। अब पिंक वाला लेते हैं और अब हम इस सर्कल को फिल करेंगे। आगे पीछे, आगे पीछे, कितना सुंदर रंग है। तो चलो यहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे। अब और कलर्स लेने होंगे तो मैं आइसक्रीम पर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन और बनाऊंगी और अब इसे फिल करेंगे। अब ये पता चल रहा है कि ये चॉकलेट है। बढ़िया, खाने के लिए ये बहुत अच्छी है। चलो थोड़े स्प्रिंकल्स डाल दे। बस थोड़े और हो गया। वाह कितना बढ़िया बना है। अब मैं इसे अपनी शर्ट के दाग पर लगा देती हूँ। उसे कैसा लगेगा? ओह जरा उसे देखो, ये तो बहुत प्यारी है। तुम कैसी हो? ये आइसक्रीम कोन तो बहुत कूल है। क्या ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पेपर से अपनी नजरें हटाओ। पर अब मैं क्या करूंगी? चलो देखते हैं, मुझे किसे बुलाना चाहिए। किताब के पीछे छिपना बंद करो और इधर आओ। क्या? अरे नहीं, मुझे जाना था। जी हाँ, मैंने केमिकल को बोर्ड पर लिख दिया है तो मैं इसे बनाना होगा। इससे शुरू कर सकती हो। चलो भी, ये लैब है, काम शुरू करो। ओह मुझे कॉल आ रही है, तुम करती रहो, मैं रिजल्ट्स देखना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये करने के लिए क्यों कहा? हे, वो वाला भी कर लो। क्या? नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला। तुमने ये रेड वाला कहा? तुम किसी काम की नहीं हो। वो वाला। रुको, ये वाला। बढ़िया, ठीक है, समझ गई। ये सही रहेगा। अब ये पता चल रहा है। ये क्या था? एक्सप्लोजन? वो तो फंस गए। क्या? ओ नहीं, मैंने उनके डेस्क में होल कर दिया। वो ये जरूर देखेंगे। मैं बहुत बुरी फंसने वाली हूँ। तुम बहुत बुरी हो। मैं क्या करूँ, मुझे स्कूल से निकलना नहीं है। रुको, मेरा 3D पेन, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। शुक्र है मेरे पास मैचिंग कलर है। पूरे होल पर मैं लंबी लंबी स्ट्रिंग्स बनाऊंगी और अब हम उल्टा करेंगे। टीचर के आने से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। हो सकता है कि वो इस पर ध्यान ही न दे। बस हो ही गया, बस कुछ लाइन्स बाकी है।
हाँ हो गया, मैंने इसे पूरा कवर कर दिया और अब मैं यहाँ बीकर रख दूंगी। अब ये काम करना चाहिए। ओ, तो तुम यही हो। खैर अच्छा किया, जाओ बैठो। हाँ मैंने अपनी डाइट का आखिरी दिन पूरा कर लिया। चलो निकलो सैलरी, मैं कुछ फ्लेवर वाला खाना चाहूंगी। हाँ ये बहुत अच्छा होगा। तो चलो मैं सारे नूडल्स पर ये डाल देती हूँ। मुझे पेपरोनी दो, कितनी अच्छी है। हॉट डॉग्स भी, और अब नूडल्स की बारी। मुझे पसंद आया। ये क्या कर रही है, मुझे इसके सबूत भी चाहिए होंगे। थोड़ा क्लोजअप से। हे रुको, हे भगवान मुझे माफ कर दो, देखो तुमने मेरे फोन का क्या हाल कर दिया। लो ये नैपकिन ले लो, मुझे बुरा लग रहा है। हे एक सेकंड रुको, बिल्कुल मेरा 3D पेन। मुझे एक आइडिया आया, ये रहा ब्लैंक फोन केस और मेरा पेन। इससे हम येलो कलर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। मुझे बिल्कुल ध्यान देकर नहीं करना, बस इसे फिल करते जाना है। बस आखिरी कोना बचा है और हो गया। इसे थोड़ा सजा कर ये और बेहतर दिखेगा। हे भगवान कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है ये खाने की चीज है। टडा, तुम्हें कैसा लगा? प्यारा है ना, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पसंद आया। हे तुम्हें थोड़े नूडल्स चाहिए? तुम्हारी मर्जी। होमवर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर करते रहना होगा। अब ये पूरा नहीं हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा झपकी ले लूं। देखते हैं। हाँ बिल्कुल अब समझ आ रहा है, ये फॉर्मूलास और कैलकुलेशंस काम आएंगी। बिल्कुल मैं वो थ्योरम कैसे भूल सकती हूँ। वाह कितनी जल्दी जल्दी कर रही हो, मैथ वेज देखकर अच्छा लगा। बस थोड़ी सी और कैलकुलेशंस। एक सेकंड रुको। हाँ यूरेका, मेरा होमवर्क, मेरी सारी मेहनत की गीली हो गई और खराब। नहीं हे भगवान मेरा होमवर्क गीला तो नहीं है। भगवान का शुक्र है, वो बस एक सपना था। तुम अभी भी अपना होमवर्क कर रही हो? वो ऐसे क्यों देख रही हो, तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रेस्ट नहीं ले सकती, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ये रहा मेरा 3D पेन, तुम इसके लिए तैयार हो? इस मग को उल्टा करेंगे और अब मैं इस मग को इस पेन से ट्रेस कर लूंगी पूरा घुमाकर। तो चलो अब मग को हटा देते हैं, अब बस इस सर्कल को फिल करना है। इसे करने का सबसे आसान तरीका बस इसे घुमा घुमा कर करते जाएं। अगर लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो भी कोई परवाह नहीं, बस करते जाएं। सीधी लाइन किसे चाहिए? तो चलो बस आखिरी लाइन और ये हो गया। टडा मैंने मग के लिए कवर बना दिया। अब ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ी और टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे। अब इसे वापस कवर तक ले जाएंगे और इस शेप में इसे फिल करते जाएंगे। जब ये वाला हो जाए तो मैं और बनाऊंगी, एक एक को अच्छे से फिल करना है। ये मैंने कर दिया, चलो इसे टेस्ट करें। शानदार ये बिल्कुल टिका रहता है, एक परफेक्ट छोटा सा मग कवर। वाह तुमने कैसे बना दिया, और देखो मैं ड्रिंक भी पी सकती हूँ। और अब ये ढक्कन वापस लग जाएगा, अब मुझे अपने होमवर्क के खराब होने की परवाह नहीं, और ये गीला भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा पैनकेक होने वाला है, एकदम स्वादिष्ट। मुझे हॉपस्कॉच नहीं खेलना। वाह इतनी अच्छी खुशबू किसकी है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो तुमने पैनकेक्स बनाए सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ही पसंद है। बस हो ही गया, जरा मैं इसे पलटा दूं। स्पैचुला इसके नीचे डालना है। चलो भी, हे भगवान स्पैचुला का हैंडल तो टूट गया, अब मैं क्या करूं? हे मैं जानती हूँ, मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूंगी। ड्राइंग शुरू करते हैं। ये शेप स्पैचुला के लिए बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, बीच में और शेप्स बनानी बाकी है। अब हमें कलर्स को स्विच करना होगा। मैं इस खाली जगह में ऑरेंज कलर करूंगी, पर अंदर की तरफ नहीं, हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे बिल्कुल नीचे हैंडल तक। ये नीचे का सर्कल भी छोड़ देंगे। शायद ये शक्ल काम आए। वो आ गई। मॉम मैंने आपके लिए नया स्पैचुला बनाया। आखिरकार हम इस पैनकेक को पलटा सकते हैं। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ।
हे भगवान, ये बहुत अच्छे से काम किया। जी हाँ, आखिरकार नाश्ता किया जाए। बनानास और चॉकलेट सिरप कितना अच्छा लग रहा है। आप इनमें से कोई हैक करने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।